नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सावे आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा चैनल देखना शुरू किया है उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा एंड अदर डिजीजेस। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के बारे में अवगत कराने के लिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आयुर्वेद की संजीवनी को आपके सामने लेकर हम लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो आज हम लोग ऐसी एक आयुर्वेद की दिव्य थेरेपी क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्षार सूत्र यानी क्या होता है? क्षार सूत्र यह पाइल्स यानी बवासीर और फिशुला और पाइलोनिडल साइनस, इन बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाने वाली एक चिकित्सा पद्धति है। अब क्षार सूत्र यानी ये इस प्रकार का एक धागा रहता है, इसको आयुर्वेदीय मेडिकेटेड सेटॉन कहा जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के द्रव्य लगाए जाते हैं, जिसमें ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि भावितम रजनी चूर्ण स्नुहि क्षीरे पुनः पुनः बंधना सुदृढ़ सूत्रम भिन्नति अर्शो भगंधरम। इसका मतलब यह है कि ये जो धागा है, एक सिंपल बार्बर थ्रेड रहता है, इसके ऊपर कुछ कोटिंग्स किए जाते हैं, 21 कोटिंग किए जाते हैं। इसमें अपामार्ग वनस्पति रहती है, उसका क्षार रहता है, हल्दी रहती है और स्नुहि क्षीर रहता है। इसके कोटिंग जो है वो विशिष्ट प्रकार से करने के बाद इस प्रकार से यह धागा तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं यह धागा इसके अंदर पैक है और यह धागा बनने के बाद इसको यूवी स्टरलाइजेशन किया जाता है और फिशुला जैसी बीमारियों में, पाइलोनिडल साइनस जैसी बीमारियों में यूज किया जाता है। यह बिना ऑपरेशन फिशुला के लिए, पाइलोनिडल साइनस के लिए अच्छी ट्रीटमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार का पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ये जो क्षार सूत्र है, ये मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स फिशुला है, जिनके एक से ज्यादा मुख है, जो लंबा हाई पेल्विरेक्टल फिशुला है, यहां तक कि जो फिशुला मल्टीपल फिशुला के ओपनिंग लेके तैयार हुआ है, ऐसे फिशुलाज में क्षार सूत्र का काफी अच्छा फायदा होता है। इसमें काफी अच्छे रिजल्ट, रिकरेंस होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। इसमें जो केमिकल या क्षार लगा रहता है वो नेचुरली उस वुंड को डिब्राइट करता है और हीलिंग भी करता है। इसमें हल्दी होने से ये नेचुरली एंटीबायोटिक का काम करता है और क्षार होने से यहाँ पर जितने भी स्लफ है डिब्राइट करने के लिए, जितने भी आवश्यक गुण होने चाहिए वो इस क्षार सूत्र में रहते हैं। तो आप क्षार सूत्र का इस्तेमाल करके अपने फिशुला जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। पाइलोनिडल साइनस जैसी बीमारी जिसमें दोनों बटों के बीच में एब्सेस या फोड़ा होता है, वहां से पस या साइनस तैयार होके दर्द होता है, तो ऐसी बीमारियों में भी इसको क्षार सूत्र को यूज किया जाता है। अब क्षार सूत्र को यूज कैसे करते हैं? जैसे फिशुला है तो फिशुला में हम लोग एक प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग करने के बाद यह क्षार सूत्र हम लोग उसमें डालते हैं, उसकी नॉट को ट्राई करते हैं और एवरी वीक हर हफ्ते इसको बदला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से पेशेंट को अपना रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। यह लोकल एनेस्थीसिया में भी ट्रीटमेंट हो सकता है और इससे रिकरेंस होने के, यानी वो बीमारी फिर से होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यह हो गया क्षार सूत्र। ग्रंथों में अगर हम लोग देखते हैं, इसका रेफरेंस देखते हैं, तो नाड़ीवरण की चिकित्सा में भी इसका फायदा होता है। जिन लोगों को ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट साइनस होते हैं, ऐसी बीमारियों में भी इसका फायदा काफी अच्छा होता है। जो लोग डायबिटिक फूड से पीड़ित है, जिनको डायबिटीज होने की वजह से जो घाव बैठता नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में भी क्षार सूत्र और क्षार एप्लीकेशन से काफी अच्छे फायदे मिलते हैं। तो ग्रंथों में इसका जो वर्णन है वो यह है कि पुरुष दुर्बल भीरुनाम नाड़ी मर्मा शिताचया क्षार सूत्रेन ताम छिद्यात न तु शस्त्रेन बुद्धिमान। इसका मतलब यह है कि जो शस्त्रक्रिया करने से डरते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वहां की मांसपेशियों का कंट्रोल चला जाएगा, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स जो दुर्बल है, क्रूश है और जो डरते हैं ऑपरेशन से, ऐसे पेशेंट्स के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति यह काफी अच्छी चिकित्सा पद्धति है। जो महिला है उनके लिए भी ये काफी अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है। जो मोस्टली एंटीरियर फिशुला जो महिलाओं में होते हैं, उसके लिए क्षार सूत्र का काफी अच्छा फायदा होता है। और ये 4 से 5 सेटिंग में आपकी फिशुला की ट्रैक कितनी है उसके अनुसार आपके ट्रीटमेंट को किया जाता है और इसमें पेशेंट को काफी अच्छा फायदा होता है। तो जिन लोगों को क्षार सूत्र के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, वो लोग हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या हमें कॉमेंट्स में
आपकी समस्या बता सकते हैं तो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल रामेश्वरी स्क्वायर नागपुर में आप संपर्क कर सकते हैं। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।